वी हैव अ घोस्ट ये मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज की जा चुकी है 24 फरवरी को हिंदी इंग्लिश और पता नहीं किन किन लैंग्वेजेस में। वी हैव अ घोस्ट के इस रिव्यू में आपका स्वागत है। थोड़े से बातों के बताशों के साथ ही हम इस रिव्यू को एंड करेंगे। और पहली बात मैं बता देती हूँ, ये मूवी आपका जो टाइम लेने वाली है वो लगभग होगा 2 घंटे का। और मूवी के प्लॉट की अगर बात करूँ तो मूवी की स्टोरी फॉलो करती है केविन नाम के एक लड़के को, जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। उसके बाद में उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके घर में ही एक घोस्ट है। ये सब देखने के लिए हमें इस मूवी को देखना होगा। और इसके साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं कि अभी करंट टाइम में जैसा कि हम सब देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे हर कोई फेमस होना चाहता है, और इसके फादर भी बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में, लेकिन वो उन्हें हर तरफ से ही डिसअपॉइंटमेंट का ही सामना करना पड़ता है। तो आखिर में जब उन्हें ये भूत मिलता है और उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हो जाती है, वो सब पॉपुलर हो जाते हैं और उसके बाद भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब को जानने के लिए हमें देखना होगा इस मूवी को। और इस सब को साइड में रखते हुए मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसा कि हमने मूवी के नाम से ही देखा है वी हैव अ घोस्ट, लेकिन इसमें घोस्ट वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत ही ज़्यादा घोस्ट जैसा मतलब कुछ भी घूस घूमसी मूवमेंट नहीं था इसमें। अगर हम बात करें स्माइल की तो उसे देखने के बाद मेरे चेहरे से स्माइल गायब हो चुकी थी लिटरली। बट वी कैन स्टार्ट दिस मूवी ऑल्सो, क्योंकि ये मूवी उन मैच्योर व्यूअर्स के लिए तो नहीं है जो एक्चुअल में घोस्ट और ऐसी मूवी देखना चाहते हैं, बट ये मूवी उन लोगों के लिए ज़रूर है जो बिना दिमाग लगाए बस मूवी देखना चाहते हैं। टीनेजर्स के लिहाजा ये मूवी मुझे काफ़ी सही लगी। तो अगर आप ये मूवी देखने में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस मूवी वी हैव अ घोस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू एंड प्लीज स्टे हियर एट एक्सप्लेनेशन एरा।